आज मैं आपको पूरा जो हिंदी का जो आपका पेपर हुआ है इस बार, अभी अभी तुरंत ही मेरे को ये पेपर मिला है सेट वन, हिंदी का सेट वन। तो जिन जिन बच्चों का हिंदी का सेट वन था वो सभी जो है इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा, और जो बच्चे नए हैं इस चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर आपको पूरा कंप्लीट जितना भी आपका जो अगला पेपर है वो इंग्लिश का होने वाला है, इंग्लिश का पूरा कंप्लीट स्ट्रेटजी क्वेश्चन विद आंसर जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो सब कुछ मैं इस चैनल पर आपको बताने वाला हूं। इसलिए चैनल को सबसे पहले आप क्या करो, सब्सक्राइब कर लो, ओके। और ये चैनल स्पेशली मैथ वालों के लिए, मैथ में अगर आप 95+ मार्क्स लाना चाहते हो ना तो चैनल को तो सब्सक्राइब पहले अभी कर ही लो, ओके। तो चलो चलिए मैं आपको बताता हूं हिंदी का सबसे जो आपका एग्जाम हुआ है अभी, आज का एग्जाम जो हुआ है सेट वन का, पूरा कंप्लीट जो एनालिसिस है मैं आपको बता रहा हूं कि आपका कितना मार्क्स आ सकता है इसमें। आप सब मैच करते जाइएगा किस टाइप का क्वेश्चन आया था अभी, किस टाइप का क्वेश्चन आया है मैं अभी नहीं देखा हूं, डायरेक्ट मैं आपको लाइव बता रहा हूं यहां पर, तो मैं आपको डायरेक्ट बता रहा हूं ये वीडियो में, ओके। तो चलिए हम लोग देखते हैं हिंदी का पेपर, ये है आपका सेट वन हिंदी। जिन जिन बच्चों का हिंदी है वो कमेंट करके मुझे बताइए कि आपका जो सेट है वो है आपको वन था, ओके। चलिए देखिए ये सेट वन है जो कि आपका 3 घंटे का पेपर था और टोटल जो है वो 80 मार्क्स का क्वेश्चन आपका हुआ। तो कैसा गया आपका पेपर आप मुझे कमेंट्स करके जरूर बताना। देखिए सबसे पहले हम लोग आते हैं यहाँ पर सेक्शन ए में, खंड अ, बहुविकल्पी और वस्तुपरक प्रश्न, ओके। ये आपका पैसेज दिया गया है यानी कि अपठित गद्यांश दिया गया है, देखिए ये गद्यांश है। आप सब मुझे कमेंट करके बताइए कि आपका ये सेट मिला या नहीं मिला। तो देखिए ये अपठित गद्यांश है, ओके। ये अपठित गद्यांश को पढ़ करके जो है ना आपको इसका आंसर देना था, ओके। तो देखिए यहाँ पर ये पूरा पैसेज है यहाँ तक, ये आपको क्वेश्चन नंबर वन है कि हम स्वस्थ विचारों की खेती करेंगे तो मन सकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न करेगा, पंक्ति का आशय क्या है, यानी कि हम स्वस्थ विचारों की खेती अगर करेंगे तो मन क्या होगा, सकारात्मक ऊर्जा, मन में क्या होगा, सकारात्मक ऊर्जा जो है ना वो उत्पन्न होगा। तो इसमें कौन सा आंसर होगा आप मुझे कमेंट करके बताइए इसका आंसर क्या होगा, ओके। सेकंड नंबर देखिए, इस गद्यांश के अनुसार नकारात्मक विचार जन्म देते हैं उदासी को, एकाकीपन को, असफलता को या बीमारी को। तो इसमें जो है ना आपका किस टाइप का जो है वो विचार को जन्म देता है, तो इसमें आपका एकाकीपन का विचार जो है ना वो मन में जन्म देता है। हम विचारों को साकार रूप देने का कार्य किया, हमारे विचारों को साकार रूप देने का कार्य किया जाता है किसके द्वारा, मस्तिष्क द्वारा, चेतन मन द्वारा, अचेतन मन द्वारा या कर्मेंद्रियों द्वारा। तो चेतन मन द्वारा दिया जाता है, ओके। आप मुझे कमेंट करके बताइए कि आपका गलत है या सही है। फोर नंबर देखिए, लोग बीमारी में निवेश करते हैं स्वास्थ्य में नहीं, से क्या अभिप्राय है। देखिए लोग जब बीमार पड़ जाते हैं ना तो पैसा क्या करते हैं, पैसा को मतलब इलाज करवाते हैं पैसा से, लेकिन स्वास्थ्य में ध्यान वो नहीं देते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, देखिए लोग चिकित्सा में पैसा खर्च करते हैं, स्वास्थ्य सुधार के तरीकों में नहीं करते हैं। बी जो है इसका आंसर हो जाएगा। आप मुझे कमेंट करके बताइए कि क्या आपका सही हुआ है या नहीं हुआ है। फाइव नंबर देखते हैं, निम्नलिखित कथन तथा कारण को ध्यान से पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कर लिखिए, ओके। तो देखिए यहाँ पर क्या करना है आपको, कथन और कारण को ध्यान से पढ़ना है और इसका आंसर को आपको चेक करना है। तो कथन है, वर्तमान समय में लोगों के जीवन में एकाकीपन जो है ना वो बढ़ रहा है। कारण क्या है, लोगों ने अपने प्रति निराशावादी रवैया विकसित कर लिया है। ये क्या होगा यहाँ पर देखिए, इसमें जो आपका कथन जो है ना आपका दोनों कारण जो है ना, इसमें एक सेकंड रुक जाइए, कथन तथा कारण दोनों सही है तथा कारण कथन की सही व्याख्या करता है। देखिए लोगों के मन में एकाकीपन क्यों बढ़ रहा है, क्योंकि वो धीरे धीरे क्या होते जा रहे हैं, निराशावादी होते जा रहे हैं। क्या होते जा रहे हैं वो, धीरे धीरे निराशावादी होते जा रहे हैं। तो इसका आंसर जो है ना वो डी होगा, ओके। तो ये था आपका, आप मुझे कमेंट करके बताइए क्या आपका आंसर सही हुआ है या गलत हुआ है। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर टू में है, निम्नलिखित पद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर उस पर आधारित दिए गए प्रश्नों को सर्वाधिक उपयुक्त उत्तर वाले विकल्प चुनकर लिखिए। ये देखिए पूरा कविता दिया गया है यहाँ पर, आपने सबने पढ़ा होगा, ये पूरा कविता है आपका, आपका जो कृतिका है उस कृतिका से पूरा ये कविता दिया गया है, ओके। आपको यहां से क्या करना है, पूरा जो क्वेश्चन आंसर यहां पर दिया गया है, जैसे पहला क्वेश्चन देखिए, मैं आपको पूरा कविता तो अभी नहीं पढ़ूंगा यहां पर, आप देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, पद्यांश में मातृभूमि की किस विशेषता का उल्लेख नहीं किया गया है। तो इसमें आपका शांति और सुखों की वर्षा करने वाली का जो है मतलब इसका वर्णन नहीं किया गया है। तो आप मुझे कमेंट करके बताइए इसका आंसर सही है या गलत है। शीतल सुगंधित पवन व्यक्ति पर क्या प्रभाव डालता है। स्टूडेंट्स चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इंग्लिश का पूरा जितना भी क्वेश्चन आंसर है ना, जितना भी इंपॉर्टेंट है कंप्लीट टॉपिक वाइज मैं आपको इस चैनल पर बताऊंगा, लेटर लिखना भी आपको पूरा स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा, इसलिए चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लो। चलो देखिए सेकंड नंबर, शीतल सुगंधित पवन व्यक्ति पर क्या प्रभाव डालता है। तो
क्या प्रभाव डालता है? शीतल और सुगंधित, तो देखिए वह उसकी थकान को दूर भगा देता है, इसका आंसर हो जाएगा। धरती की हरियाली की तुलना किससे की गई है? तो कोमल मखमली कपड़े से की गई है। अगला प्रश्न है आपका 4 नंबर, कथन और कारण पर विचार करते हुए सही विकल्प चुनिए। कथन और कारण, वही जैसे पहला पैसेज में मैंने आपको बताया वैसे ही यहां पर दिया गया है कि कथन है आपका धरती को जननी कहा गया है। धरती को क्या कहा गया है? जननी कहा गया है, मतलब माँ कहा गया है। कारण क्या है? धरती से प्राप्त जल अमृत के समान होता है। तो इसमें ऐसा क्यों कहा गया? तो यहाँ पर ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? दोनों ऑप्शन जो है ना वो सही होगा। तो कथन डी आपका सही है, क्योंकि कथन और कारण दोनों सही है, परंतु कारण कथन की से, सॉरी इसमें सी ऑप्शन हो जाएगा स्टूडेंट, सॉरी सी होगा इसका करेक्ट आंसर। क्यों? क्योंकि कथन और कारण दोनों सही है, और कथन और कारण जो है ना, कथन जो सॉरी कथन कारण की सही व्याख्या करता है, कथन जो है ना वो कारण का सही व्याख्या करता है। क्यों? क्योंकि धरती को जननी कहा गया है। क्यों जननी कहा गया है? क्योंकि कारण क्या है? धरती से प्राप्त जल अमृत के समान होता है। आगे समझ में आपको? चलिए 5 नंबर देखते हैं, दीन में तरणी करता तम का नाश है, इस पंक्ति का आशय क्या है? तो इस दीन में तरणी करता तम का नाश है, यानी दीन में जो सूर्य जो उगता है ना वो तम का नाश कर देता है। तम का क्या करता है? वो नाश कर देता है, मतलब अंधकार को खत्म कर देता है। इसका मतलब क्या हुआ? यहां दीन का सदा सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित रहते हैं, ये हो गया। ओके, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। आप मुझे कमेंट करके बताइए कि आपका आंसर जो है वो सही हुआ या नहीं हुआ, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए 3rd नंबर देखते हैं, निर्देशानुसार रचना के आधार पर वाक्य भेद पर आधारित 5 बहुविकल्पी प्रश्नों में से किन्हीं 4 प्रश्नों के सही उत्तर वाले विकल्प चुनकर लिखिए। मतलब यहां पर आपको जो है ना रचना के आधार पर वाक्य का भेद दिया गया है, आपको क्या करना है? 5 प्रश्न है, 5 में से कोई 4 प्रश्न का आपको आंसर देना है, 1 को आपको छोड़ देना है। तो देखिए 1st नंबर में क्या है, जो शब्द सबसे कम समझ आते हैं वे 2 शब्द हैं, सभ्यता और संस्कृति। इस वाक्य का रचना के दृष्टि से वाक्य भेद होगा, मिश्र वाक्य हो जाएगा इसका आंसर। आप मुझे कमेंट करके बताइए कि आपका आंसर जो है वो सही हुआ या नहीं हुआ। अगला प्रश्न है आपका, आपका आविष्कार जिस आदमी ने किया होगा वह महान आविष्कर्ता आविष्कर्ता होगा, इस वाक्य का सरल वाक्य क्या होगा? तो इसका सरल वाक्य हो जाएगा, आग का आविष्कार करने वाला व्यक्ति महान आविष्कर्ता रहा होगा। ओके, चलिए 3rd नंबर हम लोग देखते हैं, निम्नलिखित वाक्यों में से संयुक्त वाक्य पहचान कर नीचे दिए गए विकल्पों में से सर्वाधिक उपयुक्त उत्तर वाला विकल्प चुनकर लिखिए। मतलब यहाँ क्या दिया गया है? निम्नलिखित वाक्यों में से संयुक्त वाक्य को पहचान कर, सबसे पहले आपको संयुक्त वाक्य को पहचानना है, ठीक, और उत्तर का विकल्प आपको चुनना है। यहां पर संयुक्त वाक्य क्या है देखिए, यहां पर जो संयुक्त वाक्य हो जाएगा ना, उसने दुकान के नीचे पान थूका और अपनी काली लाल बत्ती सी दिखाकर बोला, ठीक, ये हो जाएगा आपका आंसर 4 नंबर। और 1 हो जाएगा, लेखक को संस्कृति का बंटवारा करने वाले लोगों पर आश्चर्य होता है। तो ये भी नहीं, ये ऐसा तो 4 होगा ही होगा। और 1 हो जाएगा आपका, जैसे बाजार वैसा कस्बे में ही बाजार था, विलियन चश्मा। हाँ देखिए इसका आंसर सी हो जाएगा, 3 और 4 इसका करेक्ट आंसर होगा। आप मुझे कमेंट करके बताइए कि आपका सही हुआ या नहीं हुआ। निम्नलिखित वाक्यों में मिश्र वाक्य का उदाहरण है, तो आपको बताना है इसमें मिश्र वाक्य कौन है, यानी कि जिसमें 2 वाक्य मिला हुआ है। तो इसमें मिश्र वाक्य जो हो जाएगा ना वो हो जाएगा, उनकी रचनाओं में लोक जीवन और लोक संस्कृति ये भी नहीं होगा, असहयोग आंदोलन के प्रभाव से श्री पूजन सहाय ने नौकरी से त्यागपत्र दे दिया, ये इसका करेक्ट आंसर होगा। स्तंभ 1 को स्तंभ 2 से क्या करना है आपको? मैच करना है यहाँ पर, ठीक, किस किस तरह का ये वाक्य है। जैसे ही मैं वहां पहुंचा वह चला गया, ये किस तरह का वाक्य है? संयुक्त वाक्य है, सरल वाक्य है या मिश्र वाक्य है? जैसे ही मैं वहां पहुंचा वह चला गया, ये जो है वो मिश्र वाक्य है। मैं वहां पहुंचा और चला गया, संयुक्त वाक्य है। मेरे वहां पहुंचते ही वह चला गया, सरल वाक्य है। आगे समझ में? चलिए हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। स्टूडेंट्स चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि अगला जो पेपर आपका होने वाला है इंग्लिश का, उसमें मैं आपको जितना भी लिटरेचर है सबका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको इस चैनल पर बताने वाला हूँ, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ओके, और मैथ्स में तो खैर आपको पता ही है कि मैथ्स में अगर इस चैनल को आप सब्सक्राइब करके रख लेते हो तो मैथ्स में तो आपका 95 आपका रखा हुआ है, क्योंकि जो क्वेश्चन मैं आपको बताने वाला हूँ वो सारा एग्जाम में आने वाला है। इस बार डिटो आपके एग्जाम में लड़ जाएगा, सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में टैली करेगा, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब तो बिल्कुल करना ना भूले। चलिए 4 नंबर को हम लोग देखते हैं,
निर्देशानुसार वाच्य पर आधारित 5 बहुविकल्पी प्रश्नों में से किन्हीं 4 प्रश्नों के सही उत्तर वाले विकल्प चुनकर लिखिए। यानी कि आपको यहाँ पर क्या दिया गया है, वाच्य दिया गया है, जिसको इंग्लिश में वॉइस बोलते हैं, एक्टिव वॉइस टू पैसिव वॉइस। तो आपको भी यहाँ पर क्या करना है, वाक्य में वाच्य है कौन सा, ये जो वाक्य दिया गया है ना, इसमें कौन सा वाच्य का प्रयोग किया गया है ये आपको बताना है, कि कर्म वाच्य का या भाव वाच्य या कर्तृवाच्य किसका उपयोग किया गया है। ओके, तो आपको यहाँ पर बताना है। तो देखिए, निराला ने फागुन के प्रभाव को अभिव्यक्त किया है, ये भाववाच्य होगा। ओके, माँ द्वारा बेटी को परंपरा से हटकर सीख दी गई, ये आपका ये हो जाएगा आपका कर्मवाच्य। पिताजी हम सबकी बात ध्यान से सुन रहे थे, इसका कर्मवाच्य होगा। इसका कर्मवाच्य में आपको बताना है। तो ये हो जाएगा आपका, पिताजी ने हम सबकी बात ध्यान से सुनी, सबकी बात ध्यान से सुनी, ये कर्मवाच्य में ये बदल गया। ओके, आप कमेंट करके बताइए कि आपका आंसर सही हुआ या नहीं हुआ। निम्नलिखित तो वाक्यों में भाववाच्य का उदाहरण नहीं है, यहां आपको बताना है कि कौन जो है ना वो भाववाच्य का उदाहरण नहीं है। तो वो फुटबॉल नहीं खेलता, वो फुटबॉल नहीं खेलता, तो ये क्या हो गया, भाववाच्य का उदाहरण नहीं होगा। ठीक, चलिए यहां पर भी वही करना है कि आपको मैच करना है। तो कोई 4 प्रश्न ही बताना था, तो मैंने आपको 4 बता दिया। चलिए अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कहा गया है, पद परिचय। ये पद परिचय है, रीतिवाचक क्रिया विशेषण, कालवाचक क्रिया विशेषण, स्थानवाचक क्रिया विशेषण और परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। यहाँ पर 4 में से आपको एक क्या करना है, टिक लगाना है। यहाँ पर भी है व्यक्तिवाचक जातिवाचक, व्यक्तिवाचक जातिवाचक संज्ञा, आपको यहाँ पर बताना है ऑप्शन में आंसर देख करके। तो 3rd, 4th और 5th का आप मुझे कमेंट करके आंसर बताइए कि आपका आंसर क्या था। उसके बाद देखिए यहाँ पर आप अलंकार आ गया, मैंने आपको बताया था ना कि अलंकार आएगा ही आएगा, इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ ना कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैंने आपको टॉपिक वाइज जो आपको बताया था ना कि ये सब टॉपिक आपको पढ़ लेना है, वो सारा टॉपिक आपके एग्जाम में आ गया है। 100 का 100 जो है ना आपका एग्जाम में टैली किया है, पूरा सेम सारा क्वेश्चन टॉपिक जो है ना वो एग्जाम में आपका आया है। मैंने आपको बताया था कि वाच्य आने वाला है, पद परिचय आने वाला है, अलंकार आने वाला है, सब कुछ आया है आपका। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इंग्लिश में भी आप चाहते हो ना कि मैं जो टॉपिक आपको बताऊं वो सारा टॉपिक आएगा, तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करो। चलिए देखते हैं 6 नंबर में, निर्देशानुसार अलंकार पर आधारित 5 बहुविकल्पी प्रश्नों में से किन्हीं 4 प्रश्नों का उत्तर दीजिए। यहाँ पर 5 प्रश्न आपको देखिए ये दिया गया है, 5 में से आपको 4 प्रश्नों का उत्तर देना था। ठीक, हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, लंका सिगरी जल गई, गए निशाचर भाग। इस पंक्ति में अलंकार है, किस तरह का अलंकार का प्रयोग यहाँ पर किया गया है, तो आप मुझे बताइए कि इसमें किस प्रकार का अलंकार का प्रयोग किया गया है। इसमें यमक अलंकार का प्रयोग किया गया है। जो नत हुआ वह मृत हुआ, जो वृंत से झर कर कुसुम, इस पंक्ति में प्रयुक्त अलंकार है। इसमें किस प्रकार के अलंकार का प्रयोग किया गया है, आई थिंक मुझे लगता है कि कंफर्म नहीं हूं, आई थिंक मुझे लगता है कि उत्प्रेक्षा अलंकार हो सकता है, कंफर्म नहीं हूं, आप मुझे कमेंट कर बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। लेटी है श्रांत क्लांत निश्चल, तापस बाला गंगा निर्मल, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार का प्रयोग किया गया है, तो आप मुझे कमेंट करके बताइए इसका कौन सा अलंकार जो है ना इसमें प्रयोग किया गया है। मेरी भव बाधा हरो राधा नगरी सो नागरी सोई, जा तन की झाई परे श्याम हरित दुति होई, इसमें किस प्रकार के अलंकार का प्रयोग किया गया है, आप मुझे कमेंट करके बताइए। ओके, चलिए अब देखिए इसमें कुछ आपको 4 प्रश्नों का उत्तर ही देना था। अब देखिए इतना सारा क्वेश्चन मैं आपको ये वाला नहीं बताऊंगा, क्यों, चूंकि ये 7 नंबर आपका पैसेज है, ये पूरा आपको पढ़ना है, मैंने ये क्वेश्चन अभी पढ़ा नहीं है। ठीक ना, ये पढ़ करके आपको क्या करना है, इसका आंसर देना है। अगर आपको, आप मुझे कमेंट करके बताइए क्या इसका आंसर मैं आपको दूं या नहीं दूं। ओके, ये बाल गोविंद भगत का स्टोरी से लिया गया है ना। जैसे कि पहला प्रश्न है यहां पर, प्रभातियां किस समय गाया जाने वाला गीत है, प्रभातियां किस समय गाया जाने वाला गीत है, तो ये जो है ना देखिए यहां पर पढ़िएगा, सवेरे उठते ही, तो यहां पर हो जाएगा भोर, क्या हो जाएगा, भोर, सवेरे का मतलब भोर होता है, जो कि आपकी गांव देहात के लैंग्वेज में हम लोग बोलते हैं। उनके मुंह से शब्दों का तांता लगा था, का क्या आशय है, तांता लगा था का मतलब हो जाएगा आपका यहां पर, वो किसी से लगातार बातें किए जा रहे थे, यहां पर पढ़िएगा तो आपको पता चल जाएगा इसका आंसर क्या होगा। ओके, गद्यांश में किस ऋतु का उल्लेख किया गया है, तो यहां पर जो है शायद आपका, एक सेकेंड मैं आपको यहां पर एक बार पढ़
थोड़ा सा हिंट्स पढ़ लेता हूँ, हल्का सा, ज्यादा नहीं पढ़ूंगा मैं। फागुन मतलब कि यहाँ पर जो है ना आपका ग्रीष्म, फागुन मतलब वसंत ऋतु का यहाँ पर जिक्र किया गया है। किसका? वसंत ऋतु का, है ना। बाल गोविंद भगत की प्रभातियां कब तक चला करती थी? तो फागुन से कार्तिक, यहाँ पर फागुन से, फागुन तो दिया हुआ है, फागुन से माघ, फागुन से कार्तिक, फागुन से कार्तिक चला करती थी। भगत गांव के बाहर पोखरे के ऊंचे भिंडे पर क्यों गाया करते थे? चार प्रश्नों का उत्तर देना था, चार मैंने आपको बता दिया। आप देखिए यहां पर नेक्स्ट है आपका 8 नंबर, गद्य पाठों के आधार पर निम्नलिखित दो बहुविकल्पी प्रश्नों के सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प चुनकर लिखिए। बिस्मिल्ला खान अपनी दुआओं में क्या मांगा करते थे? आपको ऑप्शन दिया गया है, आपको इसका आंसर चुनना है। मैंने आपको बताया था ना कि बिस्मिल्ला खान से जो है ना क्वेश्चन आंसर आने वाला है, नेताजी की मूर्ति से भी देखिए प्रश्न आया हुआ है। आई थिंक कि आपने इसको जरूर बनाया होगा। आप मुझे कमेंट कर बताइए कि इन दोनों का आंसर आपने क्या लिखा है। उसका फिर देखिए यहाँ पर वही पोयम का जो है ना कविता का पैसेज दिया गया है, आई थिंक कि आपने इसको बना लिया होगा। बहुत आसान है, मैंने आपको बताया था, इसके लिए स्पेशल वीडियो भी मैंने आपको बताया था, राम राम लक्ष्मण परशुराम संवाद से। देखिए राम ने स्वयं को परशुराम का सेवक क्यों बताया? ठीक, बहुत ही आसान प्रश्न है, वे परशुराम का क्रोध शांत करना चाहते थे। इतना आसान प्रश्न आपको पूछा गया है हिंदी में, जो जो टॉपिक मैंने आपको बताया था। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, इंग्लिश में भी मैं जो जो टॉपिक बताने वाला हूँ आने वाला है। परशुराम के क्रोध का क्या कारण था? परशुराम के क्रोध का कारण क्या था? उनके शिव, उनके गुरु शिव का धनुष टूटना, है ना। उसके बाद लक्ष्मण ने शिव धनुष की तुलना अन्य धनुष से क्यों की? तो शिव धनुष का अन्य धनुष के जैसा होने का कारण के कारण। परशुराम की बातें सुनकर लक्ष्मण मुस्कुराने क्यों लगे? चूंकि ये हो जाएगा आपका परशुराम के क्रोध को गंभीरता से न, ये हो जाएगा परशुराम के आत्म प्रशंसात्मक वचनों को सुनकर। ठीक, अगला प्रश्न, परशुराम ने राम के विनम्र वचनों का उत्तर कैसे दिया? परशुराम ने राम के ये का जो है ना वो आपको शांतिपूर्वक दिया, नहीं विनम्रता पूर्वक दिया। कैसे दिया? विनम्रता पूर्वक या फिर क्रोध पूर्वक? क्रोध पूर्वक दिया था, लेकिन राम ने विनम्रता पूर्वक दिया था। ठीक, राम ने विनम्रता पूर्वक दिया था और परशुराम ने क्रोध पूर्वक दिया था। ठीक, तो अगला है 10 नंबर में, पाठ्यपुस्तक में निर्धारित कविताओं के आधार पर निम्नलिखित दो प्रश्नों के सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प चुनकर लिखिए। सूरदास के पदों में उद्धव की तुलना किससे की गई है? तो मधुकर से। सेकेंड, यह दंतुरीन मुस्कान, देखिए इस चैप्टर से पूछा गया, बहुत ही आसान है ना। आप मुझे कमेंट करके बताइए कि इस आंसर आपने क्या लिखा है। अब यहां से आपका स्टार्ट हो जाता है आपका गद्यांश पद्यांश का क्वेश्चन आंसर। ठीक, कि ये क्वेश्चन आंसर आपको मैं आपको पढ़ के सुना दे रहा हूं, आई थिंक आपने सबका आंसर कर लिया होगा। बहुत ही आसान आसान प्रश्न पूछा गया है। नौबत खाने में इबादत पाठ में काशी की संस्कृति की पाठशाला क्यों कहा गया है? वेरी सिंपल, नौबत खाने में इबादत जो है आपने पढ़ के अच्छे से लिखा ही होगा। लखनवी अंदाज से पूछा गया है प्रश्न, मानव की आरंभिक खोजों तथा आग पहिया आदि की खोज के पीछे का क्या प्रेरणा रही होगी? संस्कृति के पाठ के आधार पर आपको इसको लिखना था। जीवन में सफल होने के लिए बाहरी रंग रूप ही महत्वपूर्ण नहीं है, एक कहानी यह भी, देखिए इससे पूछा गया है, आई थिंक आपने इसको भी बना लिया होगा। कोई 3 प्रश्नों का उत्तर देना है 4 में से। ओके, तो आई थिंक आपने दे दिया होगा 3 प्रश्नों का उत्तर। 12 नंबर में देखिए, यहाँ पर भी 4 प्रश्नों में से आपको 3 ही प्रश्न का उत्तर देना है। एक जयशंकर प्रसाद का आत्मकथा का कहानी, एक उत्साह से पूछा गया है, संगतकार से पूछा गया, और फसल का सृजन कब संभव है? काफी आसान प्रश्न पूछा गया था आपको। उसके बाद अगला है वो 13 नंबर में, मैं क्यों लिखता हूं, इससे भी आया है। माता का आंचल मैंने आपको बताया था, देखिए आ गया। बॉर्डर एरिया में छावनी पर, देखिए इससे भी आ गया। ओके, सारा क्वेश्चन आया हुआ है। और 14 नंबर में देखिए, 14 नंबर में क्या है, आपको निबंध लिखना है किसी एक बिंदु पर। ओके, किसी एक टॉपिक पर आपको निबंध लिखना था। इतना आसान है, आई थिंक आपने लिखा होगा। पहला है सफल लोकतंत्र का आधार, परोपकार ही सच्चा धर्म है। बताइए, एक बच्चा भी लिख सकता है परोपकार ही सच्चा धर्म है। और विश्व पर्यावरण दिवस जो कि 5 जून को मनाया जाता है, सेलिब्रेट किया जाता है, उस पर एक क्या लिखना था, निबंध लिखना था विश्व पर्यावरण दिवस पर। बताइए, इतना आसान प्रश्न है, आई थिंक आपने लिखा होगा। देखिए यहाँ पर 2-2 प्रश्न पूछा गया, 2 में से कोई एक प्रश्न आपको लिखना था 15 नंबर में। उसके बाद 16 नंबर में देखिए, यहाँ पर प्रश्न पूछा गया है पत्र, ये 2 में से कोई एक आपको लिखना था। ईमेल मैंने आपको बताया था ना कि ईमेल आने वाला है, देखिए आपका आया हुआ ईमेल, तो ईमेल आई थिंक आपने लिखा होगा। ये भी मैंने आपको बताया था 100% एग्जाम में देखिए लड़ गया। आपको मैंने क्या बताया था कि एक आकर्षक विज्ञापन आएगा या फिर एक
संदेश आएगा, दोनों में से कोई एक आपको लिखना था। तो आई होप कि आपने लिखा होगा ये। तो विज्ञापन किस पर लिखना था? स्वास्थ्य मंत्रालय को रक्तदान हेतु जागरूक फैलाने के लिए। और संदेश किसको लिखना था? कि आपका मित्र का चयन जो है ना वो एनडीए में हो गया है, शुभकामना देने के लिए आपको एक संदेश लिखना था। ओके, तो हमको मुझे जहां तक लगता है कि आपने संदेश तो जरूर लिखा होगा या फिर विज्ञापन, क्योंकि बहुत आसान है, चार नंबर का है आपको, तो तीन नंबर तो यहाँ कहीं नहीं जाने वाला है, तीन नंबर आएगा ही आएगा। तो सब मिला के आपका जो एग्जाम है ना वो पेपर काफी आसान था, वेरी इजी पेपर रहा आपका, ये रहा आज का। ठीक, अब आपको इंग्लिश में इसी तरह से आपका जो पेपर है ना वो अच्छा जाएगा ही जाएगा, 100% अच्छा पेपर आपका जाने वाला है इस बार इंग्लिश का। आप चैनल को सब्सक्राइब जल्दी से कर लो अगर आप चाहते हो कि इंग्लिश में भी आपको फुल का फुल मार्क्स आपका एग्जाम में आ जाए, सारा क्वेश्चन आ जाए आपका एग्जाम में जो मैं आपको बताऊं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अभी। मिलते हैं फिर हम लोग जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो में इंग्लिश को लेकर।